जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इस चैनल ने 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं और ये देखें ये कितने पर मंथ कमाते हैं और ये कितने पर ईयर। और आप ये देख सकते हैं ये सिंपल ऐसी एनिमेटेड वीडियोस बनाते हैं। ये देखें ये इनकी कुछ वायरल वीडियोस हैं और ये देखें ये कितने हर दिन कमाते हैं, ये इतने पर डे कमाते हैं। और आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप ऐसी एनिमेटेड वीडियोज़ बनाकर इससे ज़्यादा कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री एआई टूल्स का इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर वन पर हम आ जाते हैं यहाँ पर ChatGPT पर। ChatGPT पर आने के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं राइट इमोशनल एंड यूनिक स्टोरी। तो ये लिखने के बाद इसे सेंड कर देते हैं। उसके बाद ये देखें ये स्टोरी जनरेट कर लेंगे। वही काफ़ी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरी है। उसके बाद थंबनेल के लिए हमें पिक्चर्स भी ज़रूरत होंगी इनकी। तो हम यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखवा लेते हैं इनसे, राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं राइट प्रॉम्प्ट टू जनरेट इमेजेस फॉर द अबव स्टोरी। सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखवाते हैं जो कि आप Leonardo.AI में जाकर इसे पेस्ट करके पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मुझे अच्छा नहीं लगा, उसके बाद मैंने इसे रीजनरेट किया ताकि ये अच्छा और अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट जनरेट करे। और ये देखें इन्होंने कितना अच्छा और अट्रैक्टिव प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर जो कि है स्टेप नंबर टू। नेक्स्ट स्टेप पर आकर हम यहाँ पर आ जाने हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे TTS Maker लिखकर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं TTS Maker की वेबसाइट पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे हम यहाँ पर आ जाते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसे और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पर आपको जो साइड में कोड दिया गया है वो ऐड कर देना है। यहाँ पर लिख देना कन्वर्ट टू स्पीच, जैसे आप क्लिक करेंगे ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पीच में। ये देखें आपको डाउनलोड कर देना है यहाँ पर क्लिक करके। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये देखें ये पहले आपको सुन लेनी है वॉइस फुल, फिर सेकंड पार्ट भी हमें कॉपी करना है और पेस्ट करके जनरेट करना है। यहाँ पर हम पेस्ट करके इसे सेकंड पार्ट को भी जनरेट करेंगे बिकॉज हमें फुल स्टेप चाहिए। तो अगर आपको एक पार्ट में ही करना है तो आप एक में ही सारे स्टेप पेस्ट करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने फिर से ये जनरेट किया और यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड वॉइस फाइल को क्लिक करके हमने इसे डाउनलोड कर लिया। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर Adobe Express पर आ जाते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट Adobe Express क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बहुत सारे ये देखें यहाँ पर साइड बार में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ये ऑप्शंस हैं। ये देखें यहाँ पर आप जैसे होम पेज में जाते हैं यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं एनिमेट फ्रॉम वीडियो, एनिमेट फ्रॉम ऑडियो, जो कि यहाँ पर काफ़ी आप करैक्टर देख सकते हैं, इन्हें आप सिर्फ ऑडियो से एनिमेट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर और भी बहुत से हैं, ये देखें और यहाँ पर ये भी हैं ये कुछ बहुत से करैक्टर्स हैं जिन्हें आप एनिमेट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ ऑडियो की मदद से। यहाँ पर आप बैकग्राउंड भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं बैकग्राउंड पर आकर, और यहाँ पर ह्यूमंस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सिर्फ इंसान ही दिखेंगे, ये देखें और ये देखें यहाँ पर बहुत सारे हैं। ये देखें यहाँ पर आप इन्हें सिंपली एनिमेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ आप कैसे एनिमेट करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये देखें ये भी है बहुत सारे हैं। मैं आपको दिखाऊंगी अब आप कैसे इसे ऑडियो ऐड करके यहाँ पर ब्राउज पर क्लिक करें और ऑडियो ऐड करें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप ऑडियो ऐड करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लेंगे इसे ऑडियो को एनिमेट करने में, इस पिक को ऑडियो में एनिमेट करने के लिए ये थोड़ा टाइम लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हो जाए ये देखिए ये ऐसे एनिमेट कर देते हैं इसे फुल फेस को भी, और यहाँ पर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लेंगे आप इसे ओपन इन एडिटर में करके इसे एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडियो फास्ट चाहिए आप इसे स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर ये देखें स्पीड को बढ़ाने का ऑप्शन भी है, अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप इसे घटा भी सकते हैं।
तो ये सेफ हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पर और भी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ भी है, ये देखें यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं, टेक्स्ट है, मीडिया है, एलिमेंट्स हैं, ग्रिड है, और यहाँ पर ये हैं लाइक कि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर्स भी हैं, ये एलिमेंट्स में यहाँ पर बहुत सारे इलस्ट्रेशन भी आते हैं, हम ये ऐड करके दिखाते हैं मैं आपको। यहाँ पर आप इसे बैकग्राउंड में भी ऐड कर सकते हैं और इसके टी शर्ट पर भी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आप इसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इसे यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर दूँगी मैं ताकि इतना ज़्यादा ना दिखे, तो यहाँ पर ऐड कर देना है। ये बहुत लाइक यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा इनके टाइप पर, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे तो और भी अच्छा लगेगा, ये देखें इसे हमने थोड़ा बड़ा कर देना है और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर करेंगे तो ये देखें यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, आप ये जैसे आप इसे प्ले करेंगे ये कितना अच्छा लग रहा है। वाओ, अगर आपको ये अच्छा लगता है आप ऐड कर सकते हैं, पर मैंने तो सिंपल ही डाउनलोड किया बिकॉज मुझे इतना लाइक अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये देखिए अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं, बट ये आप बैकग्राउंड नहीं ऐड कर सकते बिकॉज हमारा बैकग्राउंड ऑलरेडी ऐड है, हम इसे डिलीट कर देंगे। अगर आप ये एलिमेंट ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, एलिमेंट भी आप ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे फ्री एलिमेंट्स भी हैं आप जो ऐड कर सकते हैं। तो इसका डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है डाउनलोड पर, यहाँ पर क्लिक कर देना है फिर डाउनलोड पर डाउनलोड हो जाएगी। स्टेप नंबर 4 पर हम इसे एडिट कर देते हैं। पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए, जंगल बैकग्राउंड पर आएंगे, हमें बैकग्राउंड चाहिए इसका, तो हम यहाँ पर आएंगे ये जंगल बैकग्राउंड, जो आपका सीन हो आप वैसे ही लाइक बैकग्राउंड रख सकते हैं, जैसे अगर कोई जंगल में सीन हो आप जंगल का बैकग्राउंड रख सकते हैं, डार्क बैकग्राउंड रख सकते हैं, अगर कोई हॉरर सीन हो जैसा हो वैसे उसके हिसाब से। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, हम कोई ये वाला अगर कोई वीडियो का इंट्रोडक्शन या किसी और के लिए आप ऐसे बैकग्राउंड भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी हम डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं स्टेप नंबर 5 पर, इसे एडिट करने के लिए हम वीडियो एडिटर में आ जाते हैं और ये ऐड कर देते हैं, इसे कट कर देते हैं कटआउट पर जाकर। उसके बाद ये देखें यहाँ पर कुछ ये लगा देते हैं इफ़ेक्ट्स वगैरह, ये सारी बिल्कुल अच्छी है तो हम यहाँ पर इसे इफ़ेक्ट लगा देंगे, ये लगाएंगे ओके। वो यहाँ पर थोड़े थोड़े करके हर लाइक थोड़े थोड़े टाइम बाद हम इफ़ेक्ट लगाएंगे, ये देखें उसके बाद ये इफ़ेक्ट लगाएंगे ओके। उसके बाद हम यहाँ पर और भी इफ़ेक्ट लगाएंगे जो कि लाइक स्मूथ हो और अच्छे लगे, जिनका इतना पता ना चले कि इफ़ेक्ट लगा हुआ है, ये देखिए ये भी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर ये भी ओके। उसके बाद इसे एनिमेट करके हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, यहाँ पर हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं ये कैसी है। In the small town of Willowbrook, there lived a peculiar old man named Mr. Franklin. He wasn't like the other residents, he was known for his eccentricity and his knack for telling captivating stories. Every evening, he would sit on his porch, a tattered blanket draped over his shoulders, and children from the neighborhood would gather around him, eagerly waiting to hear another one of his magical tales. One autumn evening, as the golden sun set behind the hills, casting a warm glow over the town, Mr. Frank... तो आज के लिए बस इतना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।